अच्छा नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अगला सवाल क्या अगला सवाल है टू पर्सन पी एंड क्यू स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम सिटी ए फॉर सिटी बी 60 किलोमीटर अवे ठीक है पी ट्रेवल्स फोर किलोमीटर स्लोअर देन क्यू क्यू रीचेज सिटी बी एंड एटवें टर्न टर्न्स बैक मीटिंग पी 12 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी व्हाट इज द स्पीड ऑफ पी ये तो आसान सवाल है ठीक है कंफ्यूज करेगा आपको लेकिन बहुत ही आसान है आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना है ओके यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। क्या करेंगे इसमें इसमें दिया क्या है ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है टू पर्सन पी एन क्यूदर्सन ओके एंड एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम सिटी ए टू बी ठीक है सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फोर सपोज़ ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री पे ठीक है दिस इज पॉइंट ए सपोज एंड दिस इज पॉइंट बी ठीक है सिक्सटी मीटर सॉरी सिक्सटी किलोमीटर अवे ठीक है हाँ सिक्सटी किलोमीटर अवे ओके तो इन दोनों की जो दूरी है दैट इज नथिंग बट 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर ठीक है अब क्या हो रहा है अब नाउ नाउ पी पी एंड क्यू स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम सिटी ए ठीक है तो यहां से पी ने भी स्टार्ट किया और क्यू ने भी स्टार्ट किया फ्रॉम सिटी ए दोनों बी की तरफ जा रहे हैं ठीक है एंड दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम सपोज दे एट एट ए एम इन द मॉर्निंग ओके दोनों ने सेम टाइम में स्टार्ट किया ओके नाउ वट इज गिवन टू यू आपसे कहा गया है दैट पी ट्रैवल्स फोर किलोमीटर पर आर स्लोअर देन क्यू तो आपको क्यू लेना पड़ेगा अगर क्यू की स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आर ओके तो पी की स्पीड इस सिर्फ चार किलोमीटर कम होगी इट विल गोइंग टू बी एक्स माइनस फोर किलोमीटर पर आर ओके सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओके इसके अलावा क्या अब क्या कहना चाह रहा है आपसे क्यू reaches सिटी बी एट वंस टर्न बैक अब देखो क्यू की कंडीशन देख लो आप अगर मैं क्यू की कंडीशन करूं तो क्यू क्या पहुंचा क्यू uh, पहुंचा सिटी बी में एंड देन टर्न बैक ओके देन टर्नस बैक मीटिंग पी ट्वेल्व किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि क्यू कैसे ट्रेवल कर रहा है क्यू ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया मतलब उसने सिक्सटी किलोमीटर ट्रेवल कर लिया फिर वो वापस गया इस बी सिटी से ट्वेल्व किलोमीटर और वापस गया वो ठीक है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है सिक्सटी किलोमीटर प्लस ट्वेल्व किलोमीटर विल गोइंग टू बी सेवेंटी टू किलोमीटर सो क्यू के बारे में बात कर रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस क्यू ने कितनी ट्रैवल करी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने सिक्सटी प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवेंटी टू किलोमीटर ठीक है और क्योंकि की स्पीड कितनी है क्योंकि स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर पर आर ओके और उतने ही टाइम में उतने ही टाइम इज सेम ठीक है टाइम सेम है याद रखना टाइम तो इसका टाइम कितना जाएगा ओके सपोज टाइम वन लिख लेता हूं मैं सो एज़ यू नो दैट स्पीड इज गल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सो टाइम विल गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड सो डिस्टेंस इज सेवेंटी टू अपॉन एक्स आर आ जाएगा ओके अच्छा पी के केस में क्या होगा पी क्योंकि पी की स्पीड तो कम है तो पी ने कितना ट्रैवल किया क्योंकि इस पॉइंट में क्यू और पी आपस में मिल रहे हैं ठीक है जब क्यू 12 किलोमीटर बी सिटी से पीछे आ गया इस पॉइंट में ठीक है तो यहां पर पी और क्यू दोनों मिल रहे हैं तो पी ने तो सिर्फ कितनी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है सिक्सटी माइनस ट्वेल्व ओके तो पी तो के केस में टोटल डिस्टेंस कितनी है पी के केस में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट सिक्सटी माइनस ट्वेल्व इट विल इट इज नथिंग बट फोर्टी एट किलोमीटर और टाइम कितना है और सॉरी स्पीड स्पीड कितनी है पी की पी की स्पीड तो है एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर किलोमीटर पर आर ठीक है तो टाइम कितना आ जाएगा पी पी ने कितना टाइम लिया सपोज टाइम टू पी के केस में टाइम टू कितना लिया उसने उसने लिया फोर्टी एट अपॉन एक्स माइनस फोर आर और जो दोनों का टाइम है वो तो सेम है भाई दोनों ने सेम है तो टाइम लिया उस पॉइंट में पहुंचने में ओके सो टाइम इज सेम टाइम इज सेम तो दोनों को इक्वेट कर दो दोनों टाइम को इसका मतलब 72 टू अपॉन एक्स विल गोइंग टू गिव यू 48 एट अपॉन एक्स माइनस फोर बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो दिस विल गोइंग टू गिव यू सेवेंटी टू एक्स माइनस सेवनटी टू इंटू फोर इज इक्वल टू फोर्टी एट एक्स ओके एंड फोर्टी एट सेवेंटी टू एक्स और ये इस तरीके से आ जाएगा 72x टू एक्स माइनस फोर्टी एट एक्स विल गोइंग टू गिव यू ट्वेंटी फोर एक्स तो ट्वेंटी फोर एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी टू इंटू फोर और एक्स आ जाएगा सो ट्वेंटी फोर थ्री जैवेंटी टू ठीक है एक्स विल बी सेवेंटी टू इंटू फोर अपॉन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर थ्री एक्स कितना ट्वेल्व ओके एक्स ट्वेल्व का मतलब क्या है Q की स्पीड आ गई किलोमीटर पर ठीक है एक्स का मतलब क्या है आपसे पूछा क्या है वट इज द स्पीड ऑफ पी द स्पीड ऑफ पी पूछा आपसे ठीक है आप तो ये तो एक्स आया है एक्स मतलब क्यू की स्पीड है ओके okay. तो यहां से एक्स जैसे ही ट्वेल्व आया तो आपने इसकी वैल्यू उठाकर जब क्यू पे रखी तो यहां से क्यू कितना आ जाएगा इफ यूल पुट दिस वैल्यू यहां से क्यू आ जाएगा ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर और फिर पी की स्पीड कितनी आ जाएगी एक्स माइनस फोर ट्वेल्व माइनस फोर विच विल बी नथिंग बट एट किलोमीटर पर आवर ओके okay? तो आपको पी की स्पीड निकालनी है इन द स्पीड ऑफ पी विल बी एट किलोमीटर पर आवर ओके एट किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर